राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 81 यूके बटालियन एनसीसी के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में तीसरे दिन एसडीआरएफ की टीम द्वारा आपदा प्रबंधन की जानकारी दी गई। उन्होंने आपदाओं के प्रकार तथा विभिन्न प्रकार के आपदाओं से बचाव के तरीके बताए। प्राथमिक चिकित्सा स्ट्रक्चर द्वारा घायलों को उठाने का अभ्यास करवाया गया। कैडेटों ने रस्सी और डंडों से भी स्ट्रक्चर तैयार किया और पहाड़ी पर चढ़ने के तरीके बताए गए और अभ्यास कराया गया। कमान अधिकारी कर्नल बीके उप्रेती ने कहा कि उत्तराखंड राज्य भौगोलिक रूप से अत्यंत संवेदनशील है। यहाँ भूकंप, बाढ़ एवं जंगल में आग जैसी घटनाएं होती रहती हैं। प्रशिक्षण में बताया गया इन तरीकों को अपनाकर लोगों को बचाया जा सकता है। 81 यूके बटालियन एनसीसी बागेश्वर का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बागेश्वर में जारी है। आज शिविर के तीसरे दिन एसडीआरएफ कपकोट की टीम के द्वारा कैडेट्स को आपदा प्रबंधन की जानकारी दी गई। उन्होंने प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं के बारे में बताया। उत्तराखंड राज्य भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। यहाँ पर विगत में आए भूस्खलन, बाढ़, जंगलों की आग ने यहाँ के लोगों का काफ़ी नुकसान किया है। इस नुकसान को कम करने के लिए अलग से आपदा प्रबंधन विभाग का यहाँ पर गठन किया गया है। एसडीआरएफ की टीम के द्वारा आपदाओं से निपटने के गुर सिखाए। उन्होंने रिवर क्रॉसिंग की भी जानकारी दी और कैडेट्स ने बड़े उत्साह से उसमें प्रतिभाग किया। इसके अलावा 2 हैंड सीट, 3 हैंड सीट, 4 हैंड सीट और स्ट्रक्चर निर्माण की जानकारी भी और विभिन्न जो उपकरण हैं उनकी भी जानकारी जो रेस्क्यू में इस्तेमाल किए जाते हैं वह एसडीआरएफ की टीम के सदस्यों के द्वारा कैडेट्स को दी गई। और वास्तव में हम उचित समन्वय से विभिन्न जो तंत्र हैं, चाहे अग्निशमन है या पुलिस है, एनसीसी कैडेट हैं, विभिन्न विभागों के उचित समन्वय से हम आपदाओं के प्रभाव को कम कर सकते हैं। हमें पूर्व तैयारी करनी चाहिए और आपदा से निपटने के लिए सबको, हर एक व्यक्ति को सजग रहना चाहिए। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।